अरे अम्मा आज तो अमिता बहुत अच्छी खिचड़ी लेके आई थी मुझे बहुत पसंद आई सुरभि स्कूल का बैग रखते हुए सोनल से बोली सोनल अच्छा ये बताओ ऐसी किस चीज़ की खिचड़ी थी जो तुम्हें बहुत पसंद आई मैं इतनी तरह तरह की खिचड़ी बनाती हूँ तब तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा और एक बात बताओ अमिता तो वही लड़की है ना जिसने इसी साल तुम्हारे स्कूल में दाखिला लिया सुरभि हाँ मम्मा वही है पर एक बात बताऊँ उस खिचड़ी में क्या था ये सुनोगे तो आप मुझ पर विश्वास ही नहीं करोगे सोनल हे भगवान आज ये लड़की पता नहीं क्या खा के आई है स्कूल से आई तब से हल्ला मचा रखा है ठीक है बताओ क्या कैसी खिचड़ी थी सुरभि अपने मुंह पर हाथ रखते रहत हुए धीमी हंसी के साथ बोली मम्मा वो करेले की खिचड़ी थी सोनल आश्चर्य से बोली क्या करेले की खिचड़ी और वो भी मेरी बेटी ने खाई जिसे घर में रखा करेला आंखों में नहीं सुहाता वो आज करेले की खिचड़ी खा के आई है ये चमत्कार कैसे हुआ सुरभि मम्मा सच्ची बहुत टेस्टी था आप अमिता की मम्मा से बात करके उनसे बनाना सीख लो ना पक्का मैं अब करेला खाऊंगी सोनल ठीक है मैं पूछ लूँगी अभी तो फ्रेश होके आ जा सोनल ने अमिता की माँ यानी मनोरमा को कॉल लगाया और सारी बात बताकर रेसिपी पूछी तब मनोरमा ने बताया कि वो इस खिचड़ी को चावल के साथ खाते हैं यह सुनकर स्वाति जी के आश्चर्य की सीमा ही नहीं थी क्योंकि वो अभी तक सोच रही थी जैसे भारत के हर घर में खिचड़ी बनती है वैसी ही होगी पर यहाँ तो चावल के साथ खाने की बात हो रही है मतलब यह अलग ही है मनोरमा ने रेसिपी बताना शुरू किया तो सोनल अपने ख्यालों से बाहर आई मनोरमा बोली करेले को अच्छे से धोकर बारीक काट लीजिए फिर उसमें हरी मिर्च करी पत्ता थोड़ा सा नारियल क्रस करके और नमक स्वादानुसार डालकर घी में राई का तड़का डालकर करेले को अच्छे से लाल होने तक पकाए सोनल सुनते हुए हाँ हाँ मैं जवाब दिए जा रही थी ताकि मनोरमा आगे बता सके मनोरमा आगे बोलती है फिर दूसरी तरफ एक बड़ी कटोरी या बाउल में दही को निकाल के थोड़ा फेंट लीजिए उसके बाद फ्राई किए करेले को दही में डालकर मिक्स कर, कर लीजिए नमक चेक कर के कम ज़्यादा लगे तो बराबर कर लीजिए खिचड़ी को हम लोग चावल सांभर के साथ साइड डिश की तरह खाते हैं सोलन ने पूछा क्या करेले के बीज निकालने हैं निर्मला जी बोली नहीं बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है आप करेले को एकदम बारीक काट लीजिए बीज भी साथ में कट जाएंगे सोनल ने फिर पूछा क्या यह कड़वा नहीं लगेगा क्योंकि हम करेले का सब्जी बनाते वक्त करेले को धोकर थोड़ी देर नमक लगा कर रखते हैं मनोरमा ने जवाब दिया नहीं जी पहले जब हम करेले को अच्छे से फ्राई करते हैं तो पहली बार कड़वाहट कम होती है फिर दही में डालने से और भी कम हो जाती है थोड़ी बहुत रहती है जो खिचड़ी के स्वाद को निखारती है सोनल ने मनोरमा को धन्यवाद किया और बोली अब वह तो ये खिचड़ी पक्का बनाएगी उन्हें भी इसका स्वाद तो पता चले कि करेले से भागने वाली उनकी बेटी आज एक रेसिपी की वजह से करेले की फैन हो गई है शाम को सोनल ने मनोरमा के बताए अनुसार करेले की खिचड़ी बनाई और साथ में जैसा मनोरमा ने बताया था चावल और सांभर भी बनाया आज तो विधि के साथ घर के सभी लोग करेले से प्यार करने लग गए थे कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए